जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, स्पेस में पोटेंशियल किसी पॉइंट पे आपको दिया हुआ है, तो जो कि इस एक्सप्रेशन से आपको दिखाया गया है, तो उस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। अब आप पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालते हैं और फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हो, अगर ये चीज़ सीखे हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो अभी मुझे क्या करना है, पोटेंशियल से फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए जो फार्मूला है वो E इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स या डी आर, जो भी बोलो, एक्स एक्सिस में आएगा। तो अब इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है यहाँ तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं दोनों वेरिएबल को, वाई और जेड को, कांस्टेंट मानूंगा। चलो तो अब देखो, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल है तो उस पर मुझे फील्ड निकालना, तो फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे जो नेट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड का सम होगा। हो सकता है कभी कभी दोनों जीरो हो, केवल एक्स में फील्ड हो, बट अभी मुझे एक्स एक्सिस में अगर फील्ड चाहिए तो माइनस डी वी ओवर डी एक्स, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ये वाला, इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स जेड की पावर क्यू, माइनस जेड की पावर क्यू प्लस फोर, दिस इज द आई कैप, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में फील्ड निकाल रहा हूँ, तो बाकी दोनों वेरिएबल मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। तो माइनस साइन फार्मूले से और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इसका माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस जेड की पावर क्यू आ जाएगा, दैट इज द आई कैप। तो ये जो फील्ड है दैट इज एक्स एक्सिस में फील्ड, और माइनस साइन अगर बाहर लो लोगे तो ये देखो कोई मैच करता है एक्स। अब ये जो फील्ड दिया है एक्स आई का, ये आई का ये अलग और जे का अलग अलग, मतलब जो है माइनस साइन बाहर लोगे तो सब प्लस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस में फील्ड अलग है, ये भी सही नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस में फील्ड इतना और जो हम कैलकुलेट किए हैं वो ये मैच कर रहा है, मतलब डी ऑप्शन ही सही है। आगे आप टाइम बचा सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वाई में भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है, एक बार मैं आपके लिए कर देता हूँ। y के रिस्पेक्ट में y में फील्ड आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी वाई जे कैप, बराबर है। अब मैं इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो ई वाई जो y एक्सिस में जो फील्ड आ जाएगा माइनस साइन, तो फार्मूले से इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ये जीरो प्लस ये जीरो, दिस इज द प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, दिस इज द फील्ड इन वाई एक्सिस। जेड के जेड में जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी जेड के कैप, दिस इज द फील्ड इन जेड एक्सिस। तो नेट फील्ड इन तीनों का वेक्टर सम होगा, तो जेड एक्सिस में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन तो फार्मूले से, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो चला जाएगा जीरो, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस थ्री एक्स जेड स्क्वायर आएगा और प्लस जीरो का के कैप। थोड़ा और सिंपल लिखोगे तो प्लस थ्री एक्स जेड का स्क्वायर के कैप। अब देखो मैच कर लो, प्लस थ्री एक्स जेड स्क्वायर, थ्री एक्स जेड स्क्वायर के कैप और एक्स स्क्वायर, ये हमारा मतलब डी ऑप्शन सही है। नेट फील्ड इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट, तीनों को जोड़ लो।